सर भाई आज जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, किस बात को लेकर के इतने लोग इकट्ठा है? देखिए अभी एक सोशल मीडिया पे एक पाखंडी ने जो साधु संत का लिबास पहन करके एक ऐसा देश को बांटने वाली सोच रखने वाले एक व्यक्ति ने हमारे ख्वाजा जो हिंदलवली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान में बहुत सी गुस्ताखियाँ की, बहुत से अपशब्द उनके खिलाफ़ बोले, उनको आतंकवादी कहा, उनको यानी बलात्कारी कहा, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ कंप्लेंट लॉन्च की है कि ऐसे अननोन सोर्सेज से सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें करके देश की जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ली गई आपकी FIR? देखिए FIR नहीं, हमको ये बताया गया कि FIR कहीं पर लॉन्च हुई है तो हमारी कंप्लेंट यहाँ पर ली गई, हमने लिखित कंप्लेंट भी आप देख सकते हो, वो लिखित कंप्लेंट हमारी ली गई अभी, वो हमने दी है और हमारी मांगनी की है, तो देखो इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि उस पर एक्शन होगा जल्दी। सर सोशल मीडिया अच्छे विचार व्यक्त करने के लिए भी एक जगह है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पिछले 6 सालों से सिर्फ नफरत फैलाने के लिए हो रहा है, एडवांटेजेस ज़्यादा इसके, डिसएडवांटेजेस इनके फायदे से ज़्यादा नुकसान है सर। और यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए ऐसी फिरका परस्त ताकतें, फिरका परस्त लोग मशहूर होने के लिए खास तौर से हमारे शायर यानी कि इस्लाम के शायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इसके खिलाफ कोई एक्ट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खुलेआम चल रहा है ये। बेशक हम सरकार से मांगनी करते हैं कि यानी जो इस तरीके से यानी जो फिरका परस्त लोग हैं जो यानी इस तरीके की कोशिशें करते हैं कि यानी कुछ अपशब्द बोल करके, साधु का लिबास लेकर के, इस्लाम के खिलाफ बोल करके जो अपना नाम बनाना चाहते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसे रोका जाए, उसके खिलाफ यानी कुछ एक्ट लाया जाए, इसे कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि देखिए देश की खूबसूरती एकता में है। हिंदुस्तान जाना जाता है, इसकी एक सभ्यता है कि यहाँ अलग अलग उसके धर्म के लोग यहाँ मिलजुल के भाईचारे से लेते हैं, और ऐसे पिछले कुछ 4-5-6 सालों से आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली इस तरीके के यानी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल करके उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर ये कब देखा आपने पोस्ट? ये देखिए मैंने मुंबई प्रेसिडेंट जो फयाज अहमद खान साहब उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि MIM इसके खिलाफ हर जगह पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर रही है, आप भी मुमरा में अपने शहर में इसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करो, तो उन्होंने मुझे पोस्ट भेजी, उसके बाद मैंने आने मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये बेहतरीन कदम रहेगा, और एज अ मुसलमान होने के नाते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदतमंद होने के नाते ये एक अप्रिशिएबल कदम है। जी बेशक काबिल कदम है, इसे मैं मस्जिद का कदम ना भी कहूँ तो एक अकीदतमंद का कदम मैं बेहतरीन कहूँगा, लेकिन सर एक मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ इस शहर के दूसरे लोगों से, दूसरी सियासी जमातों से, आपने यहाँ पे जिस तरह से कुछ ही लोगों को बुलाया है, ये आपकी तारीफ नहीं कर रहा मैं एक मैसेज चाहूँगा आपसे उन लोगों के लिए, क्योंकि गरीब नवाज सबके लिए नहीं, बेशक गैरों में भी अकीदत है, सबको जमा होना चाहिए था यहाँ पर, नहीं क्या हो जाए, क्योंकि एक अफसोस की बात है कि कुछ किसी को कुछ नेता थोड़ा सा काम कर रहे थे तो काफ़ी बैनर्स लग जाते हैं मुमरा में, लेकिन जब बात आती है इस चीज़ की तो कोई आगे नहीं आता, क्या मैसेज देंगे? देखिए बेशक जैसा आप बता रहे हैं, मुझे जब फयाज भाई ने कहा भेजा तो मैंने वो देखते साथ मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया, उसके चलते मैं आया और मैंने कुछ ही चंद लोगों को मैसेज कर पाया, इसके लिए लोग कम हैं यहाँ पर, शहर के बाकी लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी आप अपनी अपनी जमात की तरफ से इसके खिलाफ करें, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ हमारे नहीं, आज हम देखते हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे हिंदू भाई भी है जो उनको हमसे ज़्यादा यकीदा रखते हैं, उनको चाहते हैं, तो ये जो मैसेज चलाया जा रहा है उनके खिलाफ जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहूँगा कि शहर से और भी मेरे भाई लोग, दूसरी जमातों के NGOs के लोग इसके खिलाफ हमारी तरह कंप्लेंट करें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई बने और उस पर कुछ कानून लाने की कोशिश की जाए। जावेद भाई हमारे साथ मौजूद है, जावेद भाई जावेद भाई क्या कहेंगे इस बारे में? भाई ये जो कदम हमारे शैफ पठान जी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो किया है वो बहुत एक अलग है कि पूरे देश में एक तो ऐसा परेशानी चल रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें लोग करके ये फसाद फैलाने का जो ये पाखंडी है जो अपने आप को साधु कहता है, ये साधु हो नहीं सकता है, तो इसमें हमारे सभी लोग जो है मुस्लिम समुदाय के लोग इसके ऊपर गौर करें और इसके ऊपर गौर करके ऐसे लोगों को सजा दिलाने का कोशिश। आंदोलन चल रहा है कई महीनों से, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में फसाद भड़काया गया कुछ खास असर नहीं हुआ, तो अब ये इस तरीके से एक नया बकीड़ा खड़े करने का? हाँ तो ये तो देखो ये संदेहजनक बात है, ये तो हो ही सकता है हिंदुस्तान में जो चल रहा है, ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हम लोगों को गुमराह करके, ये झगड़ा और लड़ाई फसाद का कि ये लोग सुखी से न रहे और ये लोग जो है हमेशा परेशान रहे, इसलिए सभी लोगों को इस पे अकीदा रखना चाहिए जो उसने गलत बात किया है और उसके ऊपर FIR होना चाहिए और पुलिस उसको ढूंढ कर उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर, दोबारा कोई ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा टिप्पणी ना करे। मैं तो हमारे हाथ में देखा मैं आपको सर अनवर भाई अनवर आठ पूरे हिंदुस्तान अनवर आठ पूरे हिंदुस्तान को मोहब्बत का पैगाम देने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह,
आपने देखा होगा कि उनके दरबार के ट्रस्टियों में गैर भी है शामिल है और सब उनकी तारीफ करते हैं, सब उनकी अकीदत रखते हैं। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है, क्या जवाब देंगे ऐसे लोग? सर जी, मैं ये चाहूँगा कि हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कि बहुत अच्छे और गरीबों के दाता रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो भी साजिश रच रहा है या कोई रचा रहा है या कोई पॉलिटिक्स रच रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि उसको ऊपर ही वाला देखे और हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भी सोचेंगे उसके लिए भला ही या बुरा ही सोचेंगे।